सल्तनते उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुंतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के नफाज के लिए सरगर्दां था, तो दूसरी जानिब यहूदी फलस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फहमो फरासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुकद्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेजों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। गद्दार, हम इस हाल में छोड़कर नहीं जाएंगे आपको। जहां यहां से मैंने कहा जल्दी करें। आपके नाम से जो आदमी हमारे पास आया वो पारवुस था। जी सुल्ताने मुअज्जम, पारवुस था वो। पिस्तौल साफ करते हुए गोली चल गई मुझसे। पारवुस को शिकस्त हो चुकी है, इसलिए आज से हम दोनों अपना रास्ता खुद चुनेंगे। सारी दुनिया पारवुस साहब का नाम इंतहाई अदब व एहतराम से लेती है। झूठ बोलने में आप लोगों की महारत कमाल है। समझ गए सारी बात। कमालुद्दीन को गोली लगी। क्या? आ बेटी, पारवुस को फौरी तौर पर कैद से रिहा किया जाए, वरना सल्तनत उस्मानिया और हुकूमत बरतानिया के तालुकात इंतहाई खराब हो सकते हैं। हम बाबा से कहेंगे, वो फिरोजे बाजी को महल वापस जरूर लाएंगे, देख लीजिएगा आप। कमालुद्दीन पर गोली चलाने वाली खदीजा सुल्तान है। मैंने आपको पहले भी समझाया था खदीजा सुल्तान। ठीक है उस्मान पाशा, लेकिन आप नहीं मानी। गाजी उस्मान पाशा, बस अब बहुत हो गया। बहुत बुरा हुआ, और हमें हैरत है कि तुम जैसे काबिल सिपाही से ऐसा हो गया। इसे रहने दे, बाहर से सामान ले आए। लग ही नहीं रहा कि ये वही जगह है। बैठने का वक्त नहीं है, अभी बहुत से काम बाकी हैं, इसलिए आपका इंतजार कर रही थी मैं। आसन, आज सुबह से बहुत सारे काम किए हैं मैंने, इसलिए अब बस आराम करूंगा मैं। अच्छा, तो ऐसे कौन से फख्र के काम किए हैं आपने? पारवुस को पकड़ के सुल्तान के हवाले किया है। क्या वाकई? वो पारवुस पकड़ा गया? वो हमारे सामने ही था, लेकिन हम पहचान नहीं सके उसे, जिसे ग्रिफिन समझ रहे थे हम। दरअसल पारवुस था वो। अच्छा, वो था गद्दार। दो चेहरे थे उसके? आसन, उसके दो नहीं, हजार चेहरे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि उसके सामने सुल्तान जैसे जहीन और मेरे जैसा बहादुर जंगजू था। मुराद अफंदी, इस कारनामे का ये मतलब नहीं कि आप इस सुस्ती गालिब आ जाए, अभी बहुत से काम करने हैं, इसलिए जल्दी उठ जाइए।
आ जाएं। कहिए मलिका। मेरे सुल्तान, अब्दुल कादिर की सजा क्या आपने खत्म कर दी? हमें आपका झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए सजा खत्म कर दी। हमने अपनी औलाद की मोहब्बत में ऐसा किया, क्योंकि एक माँ से अपनी औलाद की सजा बर्दाश्त नहीं हुई। यही वजह है कि आपकी ममता की तड़प देखकर हमने आपसे सवाल नहीं किया। बहुत शुक्रिया। दुख्तर खदीजा की अच्छी तरह देखभाल तो की जा रही होगी। जी बिल्कुल, और कल हम उनसे खुद मिलने जाएंगे मेरे सुल्तान। हमारे भाई की औलाद हमारी जिम्मेदारी है, उनकी सलामती के लिए जो भी मुमकिन हो कीजिए। जी बेहतर। क्यों चली गई आप? पता नहीं अब कभी मिल पाएंगे भी या नहीं हम। महमूद, हम जानते हैं खदीजा का मामला हमने आपको पहले नहीं बताया, इसलिए नाराज हैं आप हमसे, लेकिन शर्मिंदा हैं कि नहीं बताया हमने। पूरा यकीन था हमें कि वो कमालुद्दीन को भूलकर जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। सनेहा, ये बात अगर आपने मुझे पहले बता दी होती तो ऐसा कभी ना होने देता मैं। सही कहा आपने, गलती हो गई, लेकिन अब तो पता चल गया है ना, इसीलिए हमारी मदद कीजिए महमूद। जो होना था वो हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। गाजी उस्मान पाशा को देख लिया आपने, यकीनन वो आपके भाई के पास जाएंगे और तमाम तफसील बता देंगे। ये बहुत बुरा होगा खदीजा सुल्तान के लिए भी और कमालुद्दीन के लिए भी। महमूद, खदीजा हमें हमारी औलाद की तरह अजीज है, अगर उन्हें कुछ हो गया तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे हम। हमारी दरख्वास्त है आपसे, आप सुबह जाकर उस्मान पाशा को तलाश कीजिए, उनसे बात कीजिए और भाई के पास जाने से रोकिए। मेरी बात मानेंगे वो? जरूर मानेंगे महमूद, ये एहसान होगा आपका। मेहरबानी कीजिए हम पे, भाई के पास जाने से रोकिए उन्हें, ये हमारे लिए करना होगा आपको। अब्दुल हमीद अब हद पार कर चुका है। सबर से काम ले, सुल्तान ना खुद हद पार करते हैं ना किसी और को करने देते हैं। यूरोप की हुकूमत उन्हें सिलसिले में एक मौकिफ इख्तियार किया है, एक शख्स की जिद आप सबका कारोबार बंद कर देगी। सोचें जरा फिर क्या करेंगे। एक शख्स अपने सियासी मफाद के लिए आप सबके कारोबार को तबाही के किनारे ला खड़ा करे तो क्या हम उसके लिए तजारत करेंगे? इससे पहले कि अब्दुल हमीद की कार्रवाइयों के नुकसान का अजाला मुमकिन न रहे,
आप सब लोग उस्मानी बाजारों से सरमाया निकाल लें और अपना कारोबार रोक दें। आप लोग यूरोप के मोहताज हैं। अगर ऐसा ना करें तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम इसी रियासत में पैदा हुए और इसी रियासत का नमक खाया है। हम गद्दारी नहीं कर सकते। ये गद्दारी हरगिज नहीं है। आप में से जितने लोग यूरोप के जरिए तिजारत करते हैं सब मुफलिस हो जाएंगे। आपका सारा माल वहीं से आता जाता है। अफंदी, ताजिर हमेशा पहले वतन की बात करता है। अगर हमारे पास ये वतन ना होता तो हम माल व असबाब कहां से लाते? हम नहीं डरते किसी की धमकियों से। भूलिएगा मत ये बात। अगर आप लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आपका माल ना यूरोप में फरोख्त होगा ना हिंदुस्तान में। फैसला आपका है। या तो अब्दुल हमीद की वजह से बर्बाद हो जाए या शानदार जिंदगी के मालिक बन जाए। जैसा कि मैंने कहा, या तो कुछ खाने के लिए मैसर नहीं होगा या फिर बगावत करोगे। जिंदगी गुजारने का और कोई रास्ता नहीं है। हम इसकी इजाजत नहीं देंगे। अब्दुल हमीद अगर एक आदमी की खातिर हम सब का रिस्क छीन सकता है तो हम भी अपनी मर्जी करेंगे। हमारे सुल्तान कभी भी हमें आग में नहीं झोंक सकते। उस आदमी ने जरूर कोई जुर्म किया होगा, इसीलिए उसे गिरफ्तार किया गया है। या तो बगावत करोगे या फिर भूखे मरोगे। अल्लाह आसानी फरमाए बेटा। शुक्रिया वालिदा। आओ बेटा, आराम कर लो कुछ देर। कैसी है वालिदा, ठीक है? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या तुम चले जाओगे? जाना होगा वालिदा, जरूरी है। रियासत का सारा बोझ हमारे सुल्तान के कंधों पर है। मैं उन्हें फायदा तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन वो अपना गम बांटते हैं मुझसे, एतमाद करते हैं मुझ पर। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। यार मैं भी तो अकेली हूँ बेटा। मैं समझता हूँ वालिदा, एहसास है मुझे, मगर वहाँ रियासत है, मिल्लत है। इतनी जिम्मेदारियों के बावजूद यहाँ कैसे रह सकता हूँ मैं? तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी बेटा। वालिदा खुश रहे। बिल्कुल जाओ बेटा, नहीं जाओगे तो घर से निकाल दूंगी। तुम यहाँ आए, अपनी सूरत दिखाई, मुझे और क्या चाहिए? वालिदा, मेरी प्यारी वालिदा, मुश्क जैसी खुशबू वाली वालिदा। लेकिन वो लकड़ियाँ काटे बगैर मत जाना, जाओ काम करो। जी ठीक है वालिदा। मेरा बेटा। आ जाएं। सुल्तान मुअज्जम, ये देखिए हिसिस की सूरत हल। उस्मानी इदारों के हिसिस की कीमतें गिर गई हैं। बहुत ज्यादा। सुबह कीमतें बढ़ रही थी लेकिन फिर अचानक गिरना शुरू हो गई। जरूर कोई मसला है मेरे सुल्तान। अगर ये सिलसिला यूं ही चलता रहा तो तमाम उस्मानी इदारे बंद हो जाएंगे और इदारों के साथ साथ बाजार भी तबाह हो जाएगा। इसके पीछे जरूर कोई है सलीम पाशा। पारवुस को छुड़वाने के लिए ये पहला हमला है हम पर। मेरे सुल्तान, सुना है हमारे ताजिरों का एक इजलास मुनक़िद किया गया था। ताजिर इब्राहिम अफंदी भी उस इजलास में शरीक थे। उन्होंने इजलास में जेर बहस मामलात की सख्ती से मुखालफत की। तो फिर ताजिर इब्राहिम अफंदी को यहां बुलाइए, हम खुद बात करेंगे उनसे। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान।
مزید اقدامات کرنے ہوں گے ہمیں عبدالحمید کے خلاف. جہازوں کو بندرگاہ کے قریب نہیں آنے دیں گے. نہ پایا تخت سے کوئی سامان باہر جائے گا اور نہ ہی اندر آئے گا. زبردست. اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو مخالفت میں اٹھنے والی آوازیں دب جائیں گی. دیکھتے ہیں رسک روٹی بند ہونے کے بعد یہ قوم عبدالحمید سے کتنی محبت کرتی ہے. آج شام دو جہاز بندرگاہ آنے والے ہیں. دونوں کو روک لو. جب جہازوں سے سامان اتر نہیں پائے گا استنبول کی تجارت زمین بوس ہو جائے گی. لیکن جہازوں کو کیسے روکوں گا میں؟ یہ بحری خفیہ حروف ہے. ہم ان سے جہازوں کو خطرے کا کہہ کر رک جانے کا اشارہ دیں گے. اس طرح جہاز والوں کو بھی نقصان پہنچے گا. کیا وہ کر لیں گے برداشت؟ جب تک صورتحال سمجھ میں آئے گی وقت گزر چکا ہوگا. سلطان معظم، ہم عرصے سے کلون بنا رہے ہیں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو کلون پسند ہے. خالص لیمو سے بنا کلون آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلیم پاشا، اللہ آپ کو خوش رکھے ابراہیم افندی، لیکن ہم آپ سے اس کے علاوہ بھی کچھ جاننا چاہتے ہیں. حصص کس وجہ سے گرے؟ سلطان معظم، تھیوڈور ہرزل نے تمام تاجروں کو جمع کیا، انہیں تجارت کے حوالے سے ڈرایا دھمکایا اور پیشکش بھی کی. کیا پیشکش کی؟ اس نے کہا کہ عثمانی اداروں کے حصے فروخت کر دیں، مزید سرمایہ نہ لگائیں. آپ لوگوں کو یورپ میں تجارت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے. اگر نہ مانے تو یورپ سے آپ کی تجارت روک دی جائے گی. جی ہاں سلطان معظم، اور یہ کہ ہندوستان سے آنے والے خام مال کو بھی ہم تک نہیں پہنچنے دیا جائے گا. عثمانی ریاست کے تمام کارخانے بند کرنے کی بھی دھمکی دی تھی اس نے. کیا جواب تھا تاجروں کا؟ کچھ تاجروں نے قبول کر لیا، لیکن میں نے انکار کر دیا. چاہے میرا کاروبار تباہ ہو جائے پھر بھی قبول نہیں کروں گا. جو لوگ اس ریاست کے دشمن ہیں میں ان سے ہاتھ نہیں ملا سکتا کبھی بھی. تو یعنی اداروں کے حصص گرنے کی اصل وجہ یہ ہے. سلیم پاشا، تاجروں کو بلائیں، ہم ان سے خود بات کریں گے. کھولیے، مہربانی کیجیے، دروازہ کھولیے. حوصلہ رکھیے باجی، کمال الدین پاشا ٹھیک ہے. ہمارا یقین کیوں نہیں کرتی آپ؟ آپ خود کو تکلیف کیوں دے رہی ہیں؟ کیوں چھپا رہے ہیں یہ سچائی آپ ہم سے؟ حقیقت کیوں نہیں بتا دیتے؟ بیٹی، ہم کچھ نہیں چھپا رہے آپ سے، ہماری بات کا یقین کیجیے. اعتماد کے قابل صرف ایک انسان ہے اور وہ ہے نائمے. نائمے کو یہاں بلائیے، ان سے ہم ملنا چاہتے ہیں فوراً. بس اسی صورت میں ہمیں یقین آ سکتا ہے کہ کمال الدین زندہ ہے. پھوپھی جان، اب کیا کریں؟ معاملہ ہاتھ سے نکلنے والا ہے. غازی عثمان پاشا، غازی عثمان پاشا، غازی عثمان پاشا، کیسے ہیں آپ؟ کیا ہوا، اتنے غصے میں کیوں نظر آ رہے ہیں آپ؟ کہاں جا رہے ہیں؟ سلطان معظم سے ملنے جا رہا ہوں، میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا. غازی عثمان پاشا، غازی عثمان پاشا، اگر آپ چاہیں تو اس پر سوچتے ہیں ہم. کیا کہیں گے آپ سلطان معظم سے؟ سوچیں، کمال الدین پاشا پر گولی چلانے والی خدیجہ سلطان ہے، یہ تو طے ہے. لیکن جب یہ صورتحال بتائیں گے آپ تو کیا وہ نہیں پوچھیں گے کہ کس لیے؟ وہ ضرور پوچھیں گے، بتائیں پاشا. اور اس کے بعد آپ کو ان دونوں کے پیش آنے والے واقعات پوری تفصیل کے ساتھ بتانے پڑیں گے. بہت مشکل صورتحال ہوگی غازی عثمان پاشا، بہت مشکل. اس سے حاصل کیا ہوگا، کچھ سوچا ہے آپ نے؟ آپ کی باتیں سننے کے بعد وہ آپ سے
यकीनन जो पहला सवाल पूछेंगे वो होगा खदीजा सुल्तान के बारे में और फिर कमालुद्दीन पाशा के बारे में। और वो जब ये देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल के दोनों ही जिम्मेदार हैं तो फिर क्या होगा? दोनों को ही सजा दी जाएगी। आप हक बजानिब हैं। यकीनन खदीजा सुल्तान ने आपके बेटे की जान लेने की कोशिश की, इसकी वजह से उसे सजा दी जाएगी, हक है ये। लेकिन कमालुद्दीन पाशा को भी उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। आह गाजी उस्मान पाशा, आह। उन दोनों का ये मोहब्बत का किस्सा काफी तवील है। आपने इतने अरसे तक खामोशी इख्तियार क्यों किए रखी? इसके लिए तो आप भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। इस मामले में मेरा कोई कसूर नहीं। कमालुद्दीन और खदीजा सुल्तान को मैंने कई बार समझाया था। गाजी उस्मान पाशा, गाजी उस्मान पाशा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन ये भी तो सोचें जरा कि उनकी वजह से नायमे सुल्तान की हालत खराब हो जाएगी। बेचारी अपनी मोहब्बत से मिलने के लिए वो दिन गिन रही है। उन्हें जब ये पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी? जरा गौर तो करें, सुल्तान की चहेती बेटी कितनी गमगीन हो जाएंगी, बेहद ना? यानी मैं चाहता हूं कि इन सब बातों पर गौर करें आप। फिर आपका ये एतराफ कि समझाने की बहुत कोशिश की थी आपने, मामले को न सिर्फ नाकाबिले हल बना देगा बल्कि हालात और भी ज्यादा खराब हो जाएंगे। गाजी उस्मान पाशा, कोई फैसला करने से पहले मुझे उम्मीद है कि इन सब बातों पर गौर जरूर करेंगे आप। माशाल्लाह कमालुद्दीन, चेहरे का रंग लौटने लगा है, दर्द में कुछ कमी आई? ठीक हूं मैं सुल्ताना, अल्लाह का शुक्र है। आप लोग खुद को सहमत में मत डालें मेरा इंतजार करके। वालिदा जाना चाहें तो जा सकती हैं, लेकिन हमें आपका इंतजार करने में कोई सहमत नहीं। इसके बरक्स आपके करीब रहना ही हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। मेरी सुल्ताना, स्नेहा सुल्तान की तरफ से खत आया है आपके लिए। क्या लिखा है वालिदा? स्नेहा सुल्तान ने हमसे अपने घर आने की दरखास्त की है। लिखा है कि खदीजा की हालत ठीक नहीं है, हमसे मिलकर शायद उनकी तबीयत बेहतर हो जाए। हमने आज वहां जाने का इरादा कर रखा था और उसके पीछे हमारा मकसद भी यही था। क्या हुआ है खदीजा सुल्तान को? मरहूम जलाल की चाहत में उनकी हालत कुछ अजीब सी हो गई है। बिल्कुल, उनकी हालत अफसोसनाक है। जो आजकल वो करती फिर रही हैं वो एक होशमंद इंसान नहीं करता। दिन रात रोती रहती है, खुदकुशी की भी कोशिश की। खाला के घर जाने का कहकर गलियों और सड़कों पर फिरती रही हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाए, हम भी आपके साथ चलते हैं, शायद अच्छा लगे उन्हें। बिल्कुल। आप लोगों को सरमाया उस्मानी हिस्से बाजार से हासिल हुआ है और वाजे निजाम के तहत तिजारत की जा रही थी, तो फिर पीछे क्यों हट गए आप? सुल्ताने मौसम, इब्राहिम आफंदी आपके सामने मामला वाजे कर चुके हैं, हमारे इस अमल की वजह आश्कार है। इन्होंने वजह बताई थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया? हमारे मातहत बहुत से लोग काम करते हैं, हमें अपने खानदान का भी ख्याल करना होता है। हमारे बीवी बच्चों के कई अखराजात होते हैं और हम कई पुश्तों से तिजारत करते आए हैं। हमारे अजदाद ने तिजारत करने के हमें कुछ कवायद बताए हैं। ताकि आपकी जद्दी पुश्ती तिजारत का खात्मा ना हो जाए, आपने अपने अजदाद को शर्मिंदा कर दिया। आपके आबा अजदाद तिजारत किया करते थे, क्या आप ये समझते हैं कि ये बात हमें नहीं मालूम? उन्हें ना नाम की ख्वाहिश थी ना शोहरत की, आपके सारे बुजुर्गों की मालूमात है हमारे पास। एक ताजिर ने फ्रांसीसी के साथ कारोबार किया, वो कर्जदार हो गया, कर्ज अदा नहीं कर पाया, मामला अदालत में पहुंच गया,
काजी ने फैसले में मकरूज से इसरार किया, वो मुश्किल में पड़ गया। काजी ने कहा या तो कर्ज अदा करो, बसूरत दीगर तुम्हारा सारा माल कब्जे में ले लिया जाएगा। जब वक्त बहुत कम रह गया तो दुकान में एक आदमी दाखिल हुआ। उसने कहा दुकान में जितना कपड़ा है सब दे दो। ताजर ने सारा सामान तैयार कर दिया लेकिन एक थान बिल्कुल अलग रख दिया। आदमी ने कहा यह थान भी मुझे दे दो। उसने इनकार किया, कहा कि इसमें ऐब है। आदमी ने कहा कोई बात नहीं, वो थान भी मुझे बेच दो तुम। ताजर ने कहा कि ये आप ले जाएं और अपने लिए कपड़े बनवा लें या किसी को फरोख्त कर दें और इसका ऐब ना बताएं तो जिम्मेदार मैं होऊंगा, इसलिए मैं आपको ये नहीं दे सकता। खरीदने वाला मुस्कुराया और उसने वो सारे थान वापस करके दोबारा दुकान में रखवा दिए। दुकान का मालिक जिस जिस का मकरूज था उन्हें अपनी जेब से कर्ज अदा कर दिया और चला गया। ताजिर का कर्ज अदा हो गया और वो पुरसुकून। वक्त गुजरता चला गया। ताजिर को एक दिन बादशाह को देखने का मौका मिला तो वो इमाम के दरवाजे से मस्जिद में दाखिल हुआ। वो क्या देखता है कि जिस शख्स ने उसका कर्ज अदा किया था वो बादशाह बजाते खुद था। आपके आबा अजदाद उसूली तिजारत किया करते थे, इसीलिए बादशाह मुश्किल वक्त में उनकी मदद किया करते, मगर आप लोगों ने उसूलों को ठोकर मार दी। उसूलों को छोड़कर खुद गर्जी को अपनाकर माल की मोहब्बत में पड़ गए। हम गलत तो नहीं कह रहे? जो काम के राज नहीं जानता वो हमेशा नुकसान उठाता है। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अब आप खुद ही बताएं ताजिर हजरत, आप क्या करेंगे? बेफिक्र हो जाए सुल्तान मुअज्जम, हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। तो फिर जाएं और अपनी रियासत को गिरने से बचाएं। जो भी आप कर सकते हैं फौरन करें। जो आपका हुक्म सुल्तान मुअज्जम, आपकी उम्र दराज हो। आइए। अच्छा किया कि आप लोग आ गए। खदीजा आप लोगों को देखकर बेहतर महसूस करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगर आप हमें ना बुलाती तो आज हमारा आने का इरादा था। सुल्तान भी खदीजा के बारे में पूछ रहे थे, कहा कि उनकी बेहतरी के लिए जो भी मुमकिन हो कीजिए। बहुत शुक्रिया। खदीजा कहाँ है? क्या बिस्तर से उठ नहीं पा रहे? फहीमे आपकी आमद की इत्तला देने गई हैं, अभी आती होंगी। हमने सुना है कि इदरना के दवाखाने में ऐसे मर्ज का इलाज मौसीकी के जरिए किया जाता है, क्यों ना वहां से किसी तबीबा को बुला लिया जाए। नाइमे, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक हैं हम। आप कैसी हैं? हमें फिक्र हो रही थी आपकी। हम ठीक हैं नाइमे, ठीक हैं हम। बाजी, बहुत परेशान हो गई थी आपकी बीमारी का सुनकर। जी हाँ, हमने कहा ठीक है लेकिन खदीजा आपको देखना चाहती थी। ठीक कहा ना बाजी? बिल्कुल। खदीजा दुख्तर, अगर नाइमे ठीक नहीं होती तो यहाँ मुलाकात के लिए नहीं आ सकती थी। जी हाँ, ठीक कहा आपने। उस्मान पाशा, फर्जंद कमालुद्दीन की तबीयत अब बेहतर है? जी मेरे सुल्तान, मुआलिज कहते हैं कि जिस्म मजबूत है, जल्द पैरों पे खड़े हो जाएंगे। यह हादसा कैसे पेश आया, कुछ मालूमात मिली इस बारे में पाशा?
कहते हैं इत्तेफाक से हादसा पेश आ गया, लेकिन आपका दिल कबूल नहीं कर रहा। और आपका शक दुरुस्त है पाशा, हमने वो गोली देखी है। कमालुद्दीन वो गोली खुद पर चला ही नहीं सकता, क्योंकि वो गोली उसकी पिस्तौल से चली ही नहीं। किसी ने आपके फर्जंद को कत्ल करने की कोशिश की है। क्या आपको किसी पर शुबा है उस्मान पाशा? और वो जब ये देखेंगे कि इस सारी सूरत हाल के दोनों ही जिम्मेदार हैं, दोनों को ही सजा दी जाएगी। आपने इतने अरसे तक खामोशी इख्तियार क्यों किए रखी? इसके लिए तो आप भी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। ये भी तो सोचें जरा, नायमे सुल्तान की हालत खराब हो जाएगी। कैसा है ये? बच्चों को पसंद तो आएगा ना? पसंद आए तो मेरे हवाले कर दीजिएगा। बच्चों को आपके हवाले बिल्कुल नहीं करूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रात को अच्छी तरह सोए ना उस्मान? बहुत गहरी नींद सोया मैं। माशाल्लाह आपने काम मुकम्मल कर लिया। सोने के बजाय हमारा साथ देते तो जल्दी खत्म हो जाता काम। मैं बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाया हूँ, खाकर खुशी होगी उन्हें। ये देखें। इस बहाने से तुम बच नहीं सकते उस्मान, बच्चों का सारा सामान तुम उनके कमरे तक पहुंचाओगे। क्यों नहीं मुराद अफंदी, बिल्कुल पहुंचा देता हूं मैं। देखा, सीखिए उस्मान से कुछ। जब भी कोई काम कहो बहाने बनाना शुरू कर देते हैं आप, तो चुप ही नहीं होते। आसन रुके जरा, पूरी रात जाकर काम मैंने किया और तारीफें उस्मान की हो रही हैं। ये क्या बात हुई? देखा, जलन शुरू हो गई। जनाब हर्जल, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। मैंने अखबार के लिए आपकी ख्वाहिश के मुताबिक मजमून लिखा है। हमारे सुल्तान यतीम बच्चों के लिए एक दरसगाह शुरू कर रहे हैं। इसके बारे में अभी किसी को इल्म नहीं, अखबार में शाया होने के बाद ही लोगों के इल्म में आएगा। हम सच्चे सहाफी हैं, लोगों से दरोगोई नहीं कर सकते। लेकिन बिल्कुल सच्ची खबर है ये। सुल्तान ने मौजम जो दरसगाह शुरू करने वाले हैं, उसकी वजह से यतीम बच्चों को रहने और खाने पीने का ठिकाना मिल जाएगा और तालीम की सहूलत भी। तुम्हें क्या लगता है कि अब्दुल हमीद के दरसगाह यतीम बच्चों के लिए बना रहा है? हाँ बिल्कुल, और क्या वजह हो सकती है? अब्दुल हमीद के बारे में हमारे नजरियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आपके रुख से वो अच्छाई करने वाला ताकतवर और अकलमंद आदमी लगता है, जबकि मेरे रुख से अनापसंद और डरपोक दिखाई देता है। लेकिन वो आखिर एक सुल्तान है, आप जैसे लोगों को अपनी जानिब आसानी से कर लेता है। आप कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। अब्दुल हमीद को अफरादी कुव्वत चाहिए दिलशाद, और इन बच्चों को आसामी से तैयार किया जा सकता है। वो इन बच्चों को अपने अफकार के मुताबिक तैयार करेगा। दरसगाह शुरू करने की बस यही वजह है। अब आप जा सकती हैं, और जब सही खबर मौसूल हो तब वो लेकर आइएगा। लो बेटा खाओ, खाना जाया मत करना, पेट भर के खाना। सलामत रहे हमारे सुल्तान मुअज्जम, उन्हें इन यतीम बच्चों का कितना ख्याल है। उस्मान यहां रहकर इन बच्चों का मुस्तकबिल बदल जाएगा इंशाल्लाह। हम खुद को मुसलमान कहते हैं, ये यतीम और मासूम बच्चे भूखे प्यासे सो जाते हैं और हमें इनका कोई ख्याल नहीं होता। मुझे क्या आजाद करने आए हो? ख्वाब बहुत देखते हो तुम। यकीनन हमले शुरू हो गए हैं। शुरू हुए हैं। वो हमारी रियासत और मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अभी तो शुरुआत है,
जब माल और दौलत की फरावानी खत्म हो जाएगी तो भूख और प्यास की शिद्दत की मारी आवाम रियासत को हिला देगी। तुम हमें माल और दौलत के नुकसान से डरा रहे हो। ये मिल्लत भूखी रह जाएगी मगर झुकेगी नहीं। तुम भूख की धमकी हमें दे रहे हो। हम उस पैगंबर की उम्मती हैं जिन्होंने भूख में पेट पर पत्थर बांधे। पीछे नहीं हटते हम, ना ही झुकते हैं। बहुत गुरूर है ना तुम्हें अपनी कौम पर। टूट जाएगा बहुत जल्द ये कौम जब हमारी तकलीद करना शुरू करेगी, हमारे नजरियात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगी। उस दिन तुम अकेले रह जाओगे सुल्तान अब्दुल हामिद। हम तुम्हारी गर्दन में फांसी का फंदा डाल सकते हैं, लम्हों में जबान बंद कर सकते हैं हम तुम्हारी। अभी इसी वक्त लेकिन तुम बोलोगे, बताओगे हमें सबके नाम, कौन है तुम्हारे पीछे, ये जिम्मेदारी किसने सपुर्द की है तुम्हारे, बताओ हमें। तुम सब जानकर भी अपना अंजाम बदल नहीं सकोगे, इसलिए मैं तुम्हें सब बता देता हूं। मुझे चुना गया है आलमी सरमायादाराना निजाम के लिए, बादशाहत के खात्मे के लिए। पहले रूस की बादशाहत खत्म होगी, उसके बाद उस्मानी। रूसी बादशाह के साथ भी ऐसे ही गद्दारी करना चाहते हो तुम लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आखिर में सिर्फ ईसाई बचेंगे, अभी उनके खिलाफ शिद्दत नहीं आई। अभी तो सिर्फ चंद लोगों को हरकत देना शुरू की है। 15 सालों में इन कारिंदों के जरिए एक नए रूस की बुनियाद रखी जाएगी, लेकिन इस बार लादीनियत और सरमायादाराना निजाम कायम किया जाएगा और इसके बाद उस्मानी हुकूमत गिर जाएगी। रूसी बादशाहत और उस्मानी सल्तनत गिराने का ख्वाब किसके साथ देख रहे हो? ये कुछ अजीब बात है, मजदूरी करने वाले देहाती ये नहीं समझेंगे और ना ही वो इस काबिल है। हमारे मजहब की तालीम है मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना खुश्क होने से पहले दी जाए। यही वजह है कि ये मंसूबा तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। लेकिन मुतमईन रहो, उस्मानी सल्तनत के लिए बहुत कुछ सोच रखा है हमने। जब तक हम जिंदा हैं पारवुस, तुम लोग कभी कामयाब नहीं होगे इंशाल्लाह। तुम जिस दिन ये बात समझ जाओगे उसी दिन अपनी शिकस्त भी तस्लीम कर लोगे। तुम्हारे चुने गए रास्ते पर अब्दुल हमीद ने दीवार खड़ी कर दी। सुना मैंने, बाजार रवा हो गया एक बार फिर। कामयाबी का तरीका क्या है क्या तुम जानते हो? अब्दुल हमीद की जहानत से मुकाबला करने के बजाय उसकी रहमदिली से फायदा उठाया जाए। ये बातें यहूदी को जेब नहीं देती। हम खुदावंद की चुनी हुई कौम है, नाकाम नहीं हो सकते कभी। अब्दुल हमीद से हक लेकर रहेंगे। हमारे अब तक के काम छोटे लग रहे होंगे मगर ये इब्तिदा है, आप बस देखते रहें। तो अब तुम्हारा क्या इरादा है? पाए तख्त की तिजारत को रोक देंगे, कोई जहाज बंदरगाह के करीब नहीं आएगा। अगर जहाज बंदरगाह तक ना आ सके तो ये मुफलिस हो जाएंगे, लेकिन क्या ऐसा करना मुमकिन होगा तुम्हारे लिए? तमाम जहाज बरतानवी है, अगर हमारी बात ना मानी तो मलिका उन्हें सजा देंगी। अगर जहाज बंदरगाह नहीं पहुंचते तो हुनरमंदों का काम बंद हो जाएगा। यही तो चाहते हैं हम। तमाम ताजिरों से कहें पाए तख्त की तिजारत का पहिया जाम हो गया है। कुछ सारे
चलो चल कर इनसे बात करते हैं। चलो इनसे बात करते हैं कि आखिर मसला क्या है। इस तरह तो हम अपने हाथ पांव रखकर नहीं बैठ सकते। क्या हमें पूछना पड़ेगा? अफंदी, इतना वक्त हो चुका है लेकिन अभी तक कोई भी जहाज नहीं आया। आज से पहले कभी नहीं हुई इतनी ताखीर। मैंने जहाज पर अपना एक आदमी भेजा है। कप्तान ने कहा है कि हम बंदरगाह पर नहीं आएंगे। खामोश हो जाइए। आखिर क्यों नहीं आएंगे जहाज यहाँ? मेरा सामान जहाज पर मौजूद है और मैं उसकी कीमत भी दे चुका हूँ। सुल्तान का कहना है कि रियासत के खिलाफ ये साजिश है। जंग शुरू हो गई और हमें खबर भी नहीं हुई। अब हम क्या करेंगे? हमें अपना सामान चाहिए। बस वो रहा जहाज, जाओ जाकर ले लो। ये अगर जहाज नहीं आया तो हमारे बच्चों को भूखा सोना पड़ेगा। ऐसे कैसे भूखा सोना पड़ेगा? कोई ना कोई हल निकालेंगे। हमारा माल बहुत ज्यादा है भाई। मैं जानता हूँ सही, बहुत सामान है हमारा। अगर जहाज बंदरगाह नहीं पहुँचा तो मैं तो दिवालिया हो जाऊंगा। कोई ना कोई हल निकल आएगा इंशाल्लाह। फिरोजी बाजी, मेरी शहजादी। आपसे मुलाकात जरूर होगी, यकीन था मुझे, क्योंकि आज फादिल उस्ताद की खरीदारी का दिन है। बहुत उदास थी मैं। हम भी बहुत उदास थे। कैसी है आप फिरोजी? काल्फा काल्फा नहीं रही अब मैं बहलूल, बदकिस्मती से। जी बिल्कुल, लतीफे को मिल गया है आपका मनसब। मैं तुम्हारी जगह नहीं ले सकती। शहजादी तुम्हारे लिए बहुत उदास रहती हैं। हम दोनों को अफसोस है। हमसे मिलने आप महल कब आएंगी फिरोजेबाजी? आपके बगैर महल हमें सूना लगता है। मेरी शहजादी, मैं खुद भी आना चाहती हूँ लेकिन नहीं आ सकती। देखें आपके लिए क्या लिया है। फूलों वाली मिठाई जी, बहुत पसंद है हमें। फादिल उस्ताद, जब तक आप खरीदारी कर रहे हैं तब तक शहजादी और मैं बातें कर सकते हैं? जी बिल्कुल, कर लें। बेलूल, एक मैं भी ले लूं क्या? आया उस्ताद, आया। कहाँ रुक गए थे? चलो। मुझसे मिलने नहीं आए शहजादे? बताया नहीं था क्या तुमने? बताया था फिरोजे, तो फिर निकल नहीं सके होंगे महल से। ये शहजादे को दे देना, कल उनका यही इंतजार करूंगी। बेफिक्र हो जाओ तुम, खाइए ना मेरी शहजादी। जब आप अब्दुल हमीद की तरफ हैं तो सुल्तान से कहें कि पारवुस को आजाद कर दें। क्या वाकई? बाबा को आपका तरीका कार मालूम हो गया है। कैसे? किसने बताया? आपने। गद्दारी आपकी नस नस में बसी है महमूद अफंदी, आपकी हर बात झूठी है। अगर हमने गद्दारों को सजा ना दी तो गद्दारी करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी। इसके बाद जहाजों को इशाराती पैगाम भेजा और वो सब लंगरअंदाज हो गए। ये झूठ कह रहे हैं मेरे सुल्तान।